नमस्कार, नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। एलजेबी के फायर ब्रांड प्रवक्ता के नाम से जाने जाने वाले कृष्णा सिंह कल्लू जी आज हमारे साथ हैं। कुछ उन्होंने बात कही है लालू जी को लेके कि उन्हें अब रिहा कर देना चाहिए, और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए केंद्र गृह मंत्री को पत्र लिख के कहा है कि बिहार में इस बार अब से जो इस बार रिजल्ट आए हैं और लगातार जो सरकार बनी है उसके बाद उन्होंने पत्र लिख के राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। सर, इसके पीछे क्या कारण है? आपने जो लगातार नीतीश कुमार के पीछे हमलावर हो गए हैं, उन्होंने आपने कहा भी है कि बिहार में इस बार सुशासन बाबू की सरकार जो है वो बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे सुशासन कर रही है। लगातार जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो दरभंगा में हो, चाहे वो बिहार में, चाहे पटना में, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार की 12 करोड़ आवाम ने अपना जो मत का प्रयोग किया एक बहुत ही विश्वास के साथ, बहरहाल उस विश्वास पे वर्तमान मुखिया नीतीश कुमार जी नहीं खड़ा उतर पा रहे हैं और एक तरफ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ दरभंगा ऐसे मुख्य जिला में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, ये बहुत ही चुनौती वाली बात है। और लगातार बिहार की करीब करीब बहुत ऐसे जिले हैं जहां प्रत्येक दिन कोई ना कोई घटना को अपराधी अंजाम दे करके चले जा रहे हैं। अब प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है, इसलिए हमने गृह मंत्री जी को लेटर के माध्यम से आग्रह किया है कि बिहार में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है, तभी बिहार की आवाम सुख चैन की नींद सो पाएगी, अन्यथा नहीं सुख पाएगा। तो आरजेडी के तरफ जो आपका एक प्यारा सा रुख नजर आया है कि आपने लालू जी के लिए बोला है कि व्यक्तिगत रूप में, ऐसे आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप में बोला गया है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक रूप भी है क्या? इसको कोई भी राजनीतिक रूप देकर आप लोग से आग्रह कि न देखें, मानवता के अधिकार पर हम लोगों ने, और ये मेरा पर्सनल राय है कि लालू जी को अविलंब रिहा किया जाए, चूँकि लालू जी ने जिस तरीके से देश और बिहार की आवाम के लिए जिस तरीके से उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य को पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा बिहार नहीं भूल सकता है। और कुछ दिन पूर्व हमने अपने पिता तुल्य आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को खो दिया, और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे अभिभावक, गरीबों की मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ कोई ऐसी घटना घटे जिससे कि हम लोग आहत हों। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार से आग्रह किया है, यह मेरा पर्सनल आग्रह था प्रेस मीडिया साथियों के माध्यम से कि लालू जी को लेकर के जिस तरीके से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था झारखंड सरकार की ओर से कि उनकी किडनी जो है 25% ही काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये दुखित बात है। और मेरा लालू जी के प्रति प्यार है, पूरा बिहार का प्यार है, पूरा देश का प्यार है, इसे राजनीतिक से जोड़ के आप नहीं देखें। तो हमारे साथ कृष्ण सिंह जी कल्लू जी मेरे साथ थे, और उन्होंने कहा है कि जो भी उन्होंने कहा है उसे राजनीतिक तौर पे नहीं देखा जाए, वह उनकी खुद की बात थी और वह चाहते हैं कि पिता तुल्य लालू प्रसाद यादव जी को जल्द से जल्द बिहार सरकार द्वारा रिहा करवा दिया जाए और उन्हें वापस बिहार ले आया जाए। तो तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।